ले दोस्तों, घर में लतीफ भाई ने फार्म भी बनाया हुआ है और सर्दियों में ये देसी अंडे खाते हैं, तो इंशाल्लाह ये स्टार्टर है, तो ये एक माह और लेंगी तो अंडे देने लग जाएंगी। सर्दियों से पहले ही सर्दी तक अंडा जो है ना काफी मोटा साइज हो जाएगा उसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आते ना देखे नुक्कड़ में लग गया है। धूप है यार, बहुत धूप। तुम्हारे लिए धूप है, मेरे लिए धूप नहीं है। मौसम भाई, आपके लिए कम धूप है, मेरे लिए ज्यादा है। दोस्तों बहुत धूप है। अच्छा यार, हम ना ये वाले बच्चे जो है ना ये देने लगे हैं, हम ना लाने लगे हैं भड़ी वाली बकरी, तो इंशाल्लाह करके ना ये के गोट फार्म जिधर बना देंगे, चार पांच बकरियां रखेंगे। जहर कहता है यार बच्चे, मौसम भाई बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सफ़र है, बहुत देर लग जाएगी बड़े होते हुए, तो हम बड़ी बकरी लेके हैं। तो हमने यार एक बंदे से बात की है, आज ये देने लगे हैं उसको और उससे लेके आएंगे बकरी, कुछ पैसे देंगे साथ। और ये देखें जी, ये लेली लेला हमारा जो है ना चला जाएगा। और उधर जो है ना हमने डक्स वगैरह को दाना वगैरह डाल दिया है और धूप बहुत ज़्यादा है। और इधर हमारे टीटी मास्टर, इनको भी खोल जाएं। हाँ, इनको निकालो। और बड़ी मुश्किल से दोस्तों आज ना हम अपनी बकरी बकरा जो है ना ऊपर चढ़ाया था, तो आज नीचे उतारेंगे। ये देखें, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ, लेके आ जाओ इनको, उठा लो उठा लो जहर, उठा लो उठा लो। वाह भाई वाह। नहीं दोस्तों, मौसम में उतार रहे हैं। ओ देखो यार क्या कर रहा है मौसम में। ये मेल है ना? ये मेल है, वो फीमेल है। अच्छा, ये मेल है, ये फीमेल है। ओके 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 ओके, आ गई मौसम में, इसके पीछे आ गई है। वो देखो क्या आवाज़ें निकाल दी है यार। तो ले दोस्तों, मौसम में नेक उतार दी है, अभी इसकी बारी है। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? नहीं जाना, नहीं जाना। लें दोस्तों चेक करें, माशाल्लाह। दोस्तों हमने यार जिस भाई से बकरी परचेज करनी है ना, उस भाई के पास आ गए हैं, तो हाजी साहब ने लॉक किया। हाजी साहब हमारे साथ हैं और यार साथ हैं, तो बकरी लेके चलते हैं। हाजी साहब आवाज़ भी दे दो। तो लतीफ भाई के पास आए हैं जी, इनका बन नाम लतीफ है। आगे जी आगे। दोस्तों मैं और अजैर और इधर हमारे हाई साहब, ये आए हैं जी बकरियां लेने। हाई साहब को तो आप जानते हैं, मेरी काफ़ी सारी वीडियो में आ चुके हैं। और ये हमारे हैं जी लतीफ भाई, तो इनके साथ हमारा ताल्लुक इस तरह से बना था कि यार मंडी के अंदर, फैसलाबाद मंडी के अंदर हम वीडियो बनाने के लिए गए थे, तो उधर है ना इनके साथ अच्छी सलाम दुआ हो गई। तो ये है कि इनका काम श्याम ज़रा सुच्चा है, तो फ्रॉड वगैरह कोई नहीं है। बहुत सारे व्यापारी दिखाते हैं, कुछ हैं दे कुछ देते हैं यार, तो इस वजह से इनके साथ रब्ता किया था कि यार लतीफ़ भाई हमें कोई दूध वाली बकरी दे दो, हमें बकरी चाहिए। और इन्होंने हमें बुला लिया कि आ जाए हमारे पास, तो ढूंढ ढांड के इनके पास आ गए हैं। एक घंटे का सफ़र है इनके घर का और हमारे घर का। और ये हमारी बकरी और जो बकरा है ना, हमने इनको दे दिया है। और ये काली बकरी जो है हमने पसंद की है, और इनके पास जो है ना वाइट वाला माल देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और ये राजनपुरी है जी, राजनपुरी है ना लतीफ़ भाई? राजनपुरी, प्योर गुलाबी राजनपुरी, प्योर गुलाबी राजनपुरी। और ये ऐसा ही, चलो इसका जोड़ा बन गया, साथ दिल लग जाएगा, छोटे छोटे। हाई साहब तीन बच्चे हो गए हैं। लतीफ़ भाई तुसी दसो, देसी दोगली है? लो जी देसी दोगली बकरी है जी, हमने ये पसंद की है। और माशाल्लाह इसका चड्डा वगैरह चेक करें। और यार ये चीज़ें दिखाने वाली होती है, ज़्यादा शिकारियों को पता होगा। तो लतीफ़ भाई ये तो किन्ने दांद का मूँह? छे दांद। किन्ने सूए सूई है? दो सूए सूई है। तो हूँ ये बनाई हुई है, अगे क्रॉस हुई हुई है। तो लतीफ़ भाई ए भी माल सेल वगैरह करन नूं है या अपने घर रखन नूं? सेल करन नूं है भाई, सेल करन वास्ते ही है। तो यह पट्ठा ही है, तो तीन और चार लो जी। यह पहला पट्ठा वा जी, लतीफ़ भाई के कोल छाते खलोतियां हुई हैं। तो इन्हों का राबता नंबर भी मैं लै दिना वा, अगर किसी भाई ने आल पाकिस्तान कारगो हो जाएगी, किसी भाई ने कोई पट्ठ वगैरह लैनी हो, प्योर राजनपुरी, इन्हों को पट्ठा खलोतियां वा। तो नंबर लतीफ़ भाई अपना दस दौ, 0313 89 86 5 48। लो जी यह लतीफ़ भाई का नंबर है, अगर किसी भाई ने बकरी वगैरह या बकरा लेना हो तो राबता कर सकता वा। ब्रीडर वगैरह बकरियाँ और बकरे भी मिल जाते हैं, पट्ठा बच्चे हर तरह के मिल जाते हैं। छत से माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने ना पूरे छत से यही जानवर वगैरह रखे, और कहते बहुत सारे सेल भी हो चुके हैं। तो इधर आपको मैं मुर्गियों का शौक भी करवाता हूँ लतीफ़ भाई, मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। ये देसी हैं? देसी। तो ये भी बेचते हैं आप? नहीं, घर वास्ते रखे हैं। घर वास्ते? अच्छा अच्छा, अंडे अंडे वास्ते? अंडे वास्ते रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले दोस्तों, घर में लतीफ़ भाई ने फार्म भी बनाया हुआ है और सर्दियों में ये देसी अंडे खाते हैं,
तो इंशाल्लाह ये स्टार्टर है, तो ये एक माह और लेंगी तो अंडे देने लग जाएंगे। सर्दियों से पहले ही सर्दी तक अंडा जो है ना काफी मोटा साइज हो जाएगा उसका। ये देसी माल तुहानू दिखाता दोस्तों, सील तो बाद आया लती भाई, तो तुहाडी सेहत दा राज की आ भरावा, आही आ के बलेलर खादा नहीं आगा, जेड़ा मुर्गा सर्दी सर्दी खा लेना 10 दिन बाद एक काट। ये तो था लतीफ भाई के साथ शुगल मजाक, और इधर से हम अब बकरी लेके जाएंगे अपने घर पे, तो उधर जाके छोड़ेंगे। और दो घंटे पहले इनसे बात हुई थी फोन पे, तो इन्होंने दूध निकालना था, इसी वजह से दूध भी नहीं बकरी का निकाला। कहते मैंने छोड़ दिया कि यार आप घर पे जाके खुद ही दूध बकरी का ना निकाले। लतीफ भाई एक गल दसो कि ए कमजोर क्यों है यार इन्नी? ते भाई ये बच्चे दूध पींदे सीगे, ते का बच्चा खलोता था आ वाला जेड़ा? हां जी। अच्छा ए भी एदा बच्चा वा? हां जी एदा बच्चा वा। ते अच्छा। पाठे दी मैं सेल कर देते। अच्छा हुन जदों लैदा होएगी ना 4 5 दिन बाद अल्लाह ही रहमना बिल्कुल रेडी। अच्छा यानी कि आप ठीक हो जाएगी हड्डियां हड्डियां ठीक? मैंनू कमजोर कमजोर लग रही सी, मैं कह यार एदा ही ना रहे जाके या कोई मसला ना होवे इनू। नहीं नहीं अल्लाह रहम करे, कोई नहीं भाई ये कड़े मंडी है घर वा, थोनू मेरा घर भी देख लिया तुसी, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दां मर्जी तापया दार। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਤੀਫ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੋਸਤੋ ਹਮਨੇ ਨਾ ਕੱਲ ਯਾਰ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਘਰ ਪੇ ਛੋੜ ਦੀ ਥੀ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ। ਔਰ ਅਜ਼ੈਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਥਾ, ਹਮਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ, ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈਂ। ਇੱਕ ਤੋ ਆ ਗਈ ਮਰੀ ਬੱਕਰੀ, ਤੋ ਇਸਕਾ ਹਮਨੇ ਦੂਧ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਕੋ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਦੂਧ ਆਪਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੱਲ ਕੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਮੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੌਕ ਆਪਕੋ ਕਰਵਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਯਾਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ, ਹਮ ਇਸਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾੜ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਨਾ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਤੇ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਇਨਕੋ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਇਸਕੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਪਟਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮੈਨੇ ਇੱਧਰ ਇਨਕੋ ਅਲੈਦਾ ਚਾਰਾ ਡਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਯੂੰ ਬਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੋ ਅਲੈਦਾ ਅਲੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਉਸ ਤਰਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਬ ਇਸਕੋ ਧੂਪ ਲਗੇਗੀ ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਤਰਫ ਛਾਉਂ ਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਛਾਉਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ अब ना हमने आपको एक और चीज़ दिखानी है कि मुर्गी खुद ब खुद बैठ गई है अंडों पर, वो देखिए उसने जगह कैसी ज़बरदस्त बनाई है, तो मैंने ऊपर शेल दे दी है, तो ये दरवाज़ा खुला रहता है, ये इधर से ना जाली तोड़ दी है ये बकरियों ने, तो इस वजह से ना ये खुला रहता है, और डर हमें ये है कि कहीं बिल्ली ना ले जाए, तो इस वजह से शेल ऊपर दे दी है ताकि ये सेफ हो जाए थोड़ी। लेकिन मुझे अभी इसकी उम्मीद थी कि ये अंडे देगी, क्योंकि इसका फेस जो है बिल्कुल रेड है, और जो मुर्गी कुड़क पर आती है ना वो अपना चेहरा जो है ना वो उसकी लालगी खत्म हो जाती है और वाइट कर जाती है चेहरा। इसके नीचे हमने ना ये देखें 2 4 6 अंडे रख दिए हैं। अब माशाल्लाह उम्मीद है जी हमें कि ये बच्चे जरूर निकालेगी, क्योंकि फ्रेश अंडे हैं और जगह भी इसको फ्रेश ही मिल गई है इसके मुताबिक ही, तो ये खुद ही इसने बनाया खड्डा सा इधर। चलें जी इसको कर देते हैं बंद। अब जैसे आपने सारा का सारा बंद कर दिया, पीछे से पार्टीशन कर दी है इसमें से दोस्तों, पहले इधर जाली होती थी, जाली इन्होंने तोड़ दी है, तो मैंने शिफ्टिंग कर दी है उधर, ये दीवार बना दी है बीच में फट्टियां लगा के, तो कबूतर उधर कर दिए, ये केज हमने दे दिया बकरियों को, तो इनशाला ये दो बकरियाँ जो है ना ये तैयार करेंगे और फिर आपको बकरा भी दिखाएंगे। ये वो बकरा है दोस्तों, नस्ली बकरा, जो लोग मुकाबले नहीं करवाते वेट के, तो जिनका सबसे ज्यादा वेट हो जाता है जी वो मुकाबला जीत जाता है, ये वो वाला बकरा है। और ये आउट क्लास जो ब्रीड है ना ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दरअसल ना हम काफी दूर से लेके आए हैं, इधर अमीपुर जामियाबाद है तो वहां से लेके आए हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रही, और अजहर थका हुआ था, अजहर रह गया था भाई घर पे, तो इसका हम शौक करवाते हैं। इसकी एज क्या है? एक एक माह, दो दो माह? नहीं, ये तकरीबन 4-4 माह के हैं। और दोस्तों ये जिधर से लेके आए हैं ना वो चराई वगैरह बकरियों की करवाते हैं, और उधर उन्होंने ना लूसन वगैरह पे और ये चराई में पत्ते शत्ते जो है ना जाके फसलों में खाते रहे हैं, तो कल हमने इनको ना पहले दिन मंडा करके डाला है, तो ये देखे इनको लग गई है मूंग, ये देखे सुबह ही ना जो इस तरह ये मींगने खैर खत्म कर गई है, मूंग सी लग गई है, इनको पोसियां कर रहे हैं ये। इनको मौसम में जामुन के पत्ते दे, जामुन के पत्ते भी दे देते हैं दोस्तों, और चावल भी थोड़े थोड़े जो है ना वो कच्चे दे देते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक कामयाब हल है, जेंटा कम्बोसोन, तो वो लगाएंगे, वो जो भी परिंदा जानवर डिस्टर्ब होता है ना वो हम लगाते हैं, तो उससे आराम आ जाता है। बेस्ट तरीका है जी ये, मेरा जो है ना वो प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, इससे पहले जो लेली लेला हमने बेचा है ना, तो बेच के वो बकरी ली है, वो उसमें से एक करने लग गया था, उसको मैंने सुबह लगाया है 3.1 cc वाली सिरिंज जो है वो लगाई है मैंने तकरीबन 3.0, तो शाम तक जो है ना वो सही हो गया था बिल्कुल।
परिंदों के अलावा जानवरों का जानवर हाँ बेस्ट है, ऊपर लिखा हुआ है ना, परिंदों का भी है और जानवरों का भी है। वैसे मैंने सुना है कि जामुन के पत्ते देना ठीक हो जाता है, जामुन के पत्तों से भी सही हो जाता है और चावलों से भी सही हो जाता है। दोस्तों अभी से देखें कान जो है ना कितने कितने लंबे हैं और ये बहुत खूबसूरत जानवर बनेगा। तकरीबन दोस्तों एक साल लगेगा, एक साल के अंदर ना इसने बहुत प्यारा बकरा बनना है ना इसने। ये देखो ये बकरा है इस तरह का। हाँ दोस्तों ये बकरा है और ये बकरी है। हाँ सही और है। ये देखो इसके हुड भी बन रहे हैं माशाल्लाह। ये चीज बाकी दोस्तों आप लोगों ने बताना है हम इनका नाम क्या रखे और मेल का फीमेल का, आपको कैसे लगे है? नहीं प्यारे तो लगे होंगे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, असल एक नंबर देसी है माशाल्लाह। दोगली बकरी है ना, ये प्योर एक नंबर है देसी। ठीक है दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है अपने भाई को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो कर दे लाइक, चैनल कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।